खान साहब किचन में आपका स्वागत है। आज की डिश रेसिपी है हैदराबादी खुरमा। मटन 250 ग्राम्स और ये प्याज क्या बोलते सो 3 डाल ली। इसको अच्छा तल ले के ब्राउन कर लेना। ये मसाले है 2 टेबलस्पून लाल मिर्ची, 1.5 नमक, 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन, इधर आधा टेबलस्पून हल्दी, ये गरम मसाला, नमक, शाहजीरा इलायची, दालचीनी और ये रोस्ट करे हुए मसाले है, ये फल्ली, खोपरा, काजू, बादाम, खसखस, ये 2 टेबलस्पून फल्ली लेना, 2 टेबलस्पून खोपरा लेना, ये 12 काजू बादाम लेना, ये 4 टेबलस्पून फुल दही, 1 टेबलस्पून फुल खसखस, धनिया दीरा 1 चम्मच, कोतमीर पुदीना 1-1 बंडल, क्या बोलते 1-1 बंडल और 4 हरी मिर्ची। अब इसको मैरिनेट के लिए ये तो पूरे मसाले मटन में मैरिनेट करके अथर पॉज कर दे बस। ये पूरे मसालों को पेस्ट बना लेना थोड़ा पानी डाल के। अब इसका शाहजीरा दालचीनी ये डाल देना, गोल डाल देना, ये गोल डाल के इसको फ्राई करना, फ्राई करके अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना। तेल 4 टेबलस्पून फुल तेल, हाफ टेबल ये हल्दी पाउडर, नमक। अब इसको 4 सीटी देके गोश्त को गला लेना। ये दही भी डाल देना गोश्त के साथ। नहीं मीडियम फ्लेम पे नहीं, फुल पे पका के 4 सीटी। ये दही अच्छा हो, दही की वो जाने के बाद फिर मसाले लगाना, इसको पेस्ट करे तो मसाले भून। मैं आपको बताई थी सब काजू बादाम फल्ली खोपरा पूरे मसालों का पेस्ट है, ये पेस्ट बना लेकर रख लेना अच्छा बारीक करके, फिर गोश्त गले बाद में से इसके बाद पेस्ट लगाना है। देखिए ये गोश्त गल गया दही के साथ, अब इसमें ये पेस्ट मिला देना है, काजू बादाम फल्ली सब मसाले। करो जी पानी बंद। इसको अच्छा 2-3 मिनट के लिए मसालों को अच्छा भुनना। इस मसालों की बहुत मसालों की स्मेल गई तक अच्छा भुनना इसको। भुने बाद में से कोतमीर पुदीना हरी मिर्ची डालना, मसाले भुने के बाद अच्छा 2-3 मिनट के बाद फिर ये पेस्ट बना लेना प्याज का पेस्ट बना लेके प्याज को वो ऊपर से डाल देना, डाल के फिर कोतमीर पुदीना डाल देना गार्निशिंग के लिए। तो पूरे मसाले भुने गए, ये तेल अच्छा आ गया, प्याज भी डाल के अपन भुन दिए। अब 1-1.5 कप पानी आप डाल सकते हैं आपके हिसाब से, जरा गाढ़ा होना पतला होना, आपके ये कोतमीर पुदीना डालना, कोतमीर पुदीना डाल के
पानी डालने के बाद नमक चखना, नमक थोड़ा डालना और गरम मसाला पाउडर डालना। एवरेस्ट का मसाला है ये, एक चम्मच डालना। चलिए कोरमा तैयार, अब आपको डिश आउट करके बता देते हैं। कोरमा तैयार हो गया, इसको आपको डिश आउट करके बता रहे हैं। नान की रोटी से खा सकते हैं आप, जीरा राइस से खा सकते हैं, बघारे खाने से खा सकते हैं। आप भी खाइए, आपके लोगों को भी खिलाइए, घर वालों को सबको। शुक्रिया शुक्रिया, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आपको पसंद आए।